गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज आपका चैप्टर थर्ड सुक्ति सुधा का, जो चैप्टर थर्ड था आप लोगों का, उसका एक्सरसाइज बता रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों को मैंने ये चैप्टर अच्छे से समझा दिया था, तो आज मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। ये वर्ड मीनिंग है जो आप लोगों को करना है कॉपी में, और ये क्वेश्चन आंसर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये प्रश्न है और इनके उत्तर क्या है, संस्कृत में लिखने हैं। कंठस्य भूषणम किम, जो कंठ का भूषण क्या है, सत्यम कंठस्य भूषणम, ठीक है, सत्य जो है वो कंठ का भूषण है, आभूषण है। कार्यकाले समुत्पन्ने किम पुस्तकस्था विद्या लाभम करोति, कार्यकाल आने पर कौन सी कार्यकाल आने पर क्या पुस्तक की पुस्तक में लिखी हुई विद्या काम आती है। कार्यकाले समुत्पन्ने पुस्तकस्था विद्या लाभम ना करोति, कार्यकाल आने पर पुस्तक की विद्या काम नहीं आती है। फिर आता है आप लोगों का क्वेश्चन थर्ड, कह तम हरिति, अंधेरे को कौन हरता है। एकश चंद्रह तम हरिति, एक चांद अंधेरे को हर लेता है। किदृश पुत्रह वरम, परम एको गुणी पुत्र, कैसा पुत्र अच्छा होता है, तो एक ही पुत्र, एक ही गुणी पुत्र अच्छा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्लोक का अर्थ लिखिए। प्रथम श्लोक है, उसका अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ है, 100 मूर्ख पुत्रों से तो एक गुणवान पुत्र अच्छा, अकेला चंद्र अंधकार का नाश करता है, पर ताराओं का समूह से अंधकार का नाश नहीं होता। इसका अर्थ होता है कि अगर 100 पुत्र गुणी ना हो, लेकिन अगर एक पुत्र गुणी हो, तो 100 पुत्रों से भले एक पुत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। हस्तस्य भूषणम दानम भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम प्रयोजनम, पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने नास विद्या नास्तद धनम। तद है यहाँ पे, ठीक है। सदा करोति विद्यार्थी सहनम, सहनम सुख दुखयो, सुखम भवतु वा दुखम, विद्याभ्यासम करोति स, ठीक है। ये है जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो आप लोगों को भरना है। आप लोग पीछे से देख के भी भर सकते हैं या यहाँ से देख के भर सकते हैं। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इसका है उद्यमेन ही सिद्ध्यति कार्याणि, ठीक है। फिर है, परिश्रमी सदा सफल होते हैं, उद्यमी सदा सफलः भवन्ति। एक एक बूंद जल से घड़ा भरता है। जल बिंदु निपातेन क्रमश पूर्यते घटः, जल बिंदु निपातेन क्रमश पूर्यते घटः। फिर आता है, एक गुणी पुत्र ही श्रेष्ठ होता है, परम एको गुणी पुत्र। उसके बाद, एक एक शब्द को याद करने से विद्या आती है, एक शब्दम अस्मरन्ति विद्या आयति, ठीक है। तो ये आप लोगों का चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, चैप्टर थर्ड का जो है आप लोगों का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब जो है नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, चैप्टर फोर। तब तक आप लोग ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ओके। एक बार मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग भी बता देती हूँ इसके। कंठ गला परम श्रेष्ठ अच्छा, सनाति सैकड़ों, तमह अंधेरा, हंति मारता है दूर करता है, क्रमशः धीरे धीरे, पूरे ते भर जाता है, करोति घटा घड़ा, तारा गण तारों का समूह, श्रोत कान, निपातः गिरना, सहनम सहन करना, भवतु हो हेतु कारण, जल बिंदु निपातेन पानी की एक एक बूंद गिरने से, पुस्तकस्था पुस्तक में लिखी हुई, पर हस्तगतम दूसरे के हाथ में
गया हुआ है। एक ये लाइन करौती करता है कार्य काले काम के समय समुत्पन्न आने पर। ठीक है, तो ये आप लोगों का चैप्टर फोर्थ कंप्लीट होता है। अच्छे से आप लोग सुंदर राइटिंग बुक में करेंगे और स्कूल में चेक कराने के लिए लाएंगे। ओके, थैंक यू।